सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए का कानून रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता, अरे मेरे हिंदू भाइयों का थोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। कैसी प्रोटेस्ट? ऐसी प्रोटेस्ट उन मुसलमानों के लिए जिनका देश में वो माइनॉरिटी है। सीएए का कानून रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता, अरे मेरे हिंदू भाइयों का थोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहां पर तो अपनी ब्रूट मेजोरिटी पर बनाकर आप कहां के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं। आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंगे आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि सीएए का कानून रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए, सीएए कानून को। मुंह में जो है बोलने लग गए हैं, तो आप औरंगजेब का नाम ले लीजिए ना, उन्हों कौन सा कोई अच्छा करे। तो आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। उन्हों इतने सारे कत्ल करे हैं हिंदुओं का, नहीं आता। आप उन पर तरस नहीं आता। तो उन्हों जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता, अरे मेरे हिंदू भाइयों का थोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। तो इसके बारे में आपका आवाज तो नहीं निकलता। तो निकलेगा किसका? आप कहां से निकलेगा आवाज? आपको सिर्फ वो सारे हरकत करके दिखाने के लिए जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने खुद के मुसलमान जानते हैं भैया कि आज उनके लिए 40 सालों में कुछ नहीं बदला। 4,000 की तनख्वाह लेते हैं मस्जिदों में, बताइए तो सही आप क्या मिलता है 4,000 से? आप वक्फ बोर्ड है, अपील कर सकते थे स्टेट से, सेंट्रल से अपील कर सकते थे, उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। ये मुद्दा मैं एक बार भी वो बात करते नहीं सुना मैंने। आप तो हर चीफ मिनिस्टर से गले लगते हो साहब, इतनी दोस्ती, देखने वाले परेशान हो जाते हो, अरे यार ये तो लंगोटिया यार होगा शायद। इतना जब प्यार और दोस्तानी है, तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए?
जो है यहाँ पे मुसलमान उनका कदर करो आप, पहले उनकी गरीबी को सोच, गरीबी के बारे में सोचो आप। भाई मैं और एक बात बताती हूँ आपको, ये इतने सारे बातें करते हैं ना, जीएचएमसी में जो बजट निकलता है ना, सबसे ज्यादा फंड किसको होता है? साउथ जोन को होता है सबसे ज्यादा, हर बार। अब ये ऊपर वाला जाने कि इतने फंड जब सबसे ज्यादा साउथ जोन यानी कि हैदराबाद ओल्ड सिटी को जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फिर भी यहाँ पर ना कोई नाला सा ठीक होता है, लाइट्स तो अभी भगवान जाने वहां पे ना पोल होता है ना लाइट जलता है, तो किसके जेब भरने के लिए सारे बजट जा रहे हैं? इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप बार बार जो उन नाम पूरे निकालते आप फिर जो पैसे आप उठा रहे हो गवर्नमेंट से, जो पैसे आप उठा रहे हो वक्फ बोर्ड से, पहले बताओ उसका हिसाब आपने किस अपने मुसलमान भाइयों को पसमंदों के लिए खर्च करे आप, फिर बाद में बात करना उन मुसलमानों के लिए जो खुद के देश से धक्का मारकर निकाले गए हैं। अपनों के लिए रोना सीखिए साहब, हम हैं यार अपनों के लिए तकलीफ, हमको तकलीफ होता है जब अपने मुसलमान यहाँ तकलीफ में होते हैं। आप इनके लिए मत रोइए, आप धक्के मारे से लोगों के लिए रोइए। आप क्या पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी है? बांग्लादेश में माइनॉरिटी है? बताइए आप, नहीं है ना? तो जिस देश ही उनका है आप क्यों भाई इतना रो रहे हैं उन लोगों के लिए? पहले खुद के देश के माइनॉरिटी के बारे में रोइए ना, उनका मुद्दा उठाइए ना। जो मेजॉरिटी है जो मुसलमान देश है, ये कहकर जाती है मेरे सब पाकिस्तान में मुसलमान जिनको धक्का मारे आप उनको माइनॉरिटी बना रहे। अगर आप प्रोटेस्ट करते थे मोदी भाई से पहले, वो जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ना, जो शीरिया में भी नहीं है, अगर आप उसके लिए करते थे प्रोटेस्ट कि मोदी भाई मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं अपने लड़कियों के लिए, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो शीरिया में भी नहीं है हमारे लिए, जाति हो रहा हमारे लड़कियों के लिए, अब तब प्रोटेस्ट करना था, अब तब प्रोटेस्ट करना था कि भाई आपके हिंदू के औरत और लड़कियों के तो हक मिलता है मैके में बराबर, लड़कों को दिए जैसा, हमारे में नहीं है, आप हमारे लिए क्यों नहीं देते? अगर उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे ना, बड़ा ही मजा आता था मेरे लिए। देखिए, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है? तो उनको अगर सरकार इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। डर भी जो फैलाने की कोशिश हो रही है एक समुदाय को लेकर, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मुसलमान समुदाय को या फिर मुसलमानों को इससे कोई खतरा या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो बेकार में पैनिक करके कोई फायदा नहीं है।